तो देखिए वकीलों में गुस्सा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के भेष में आए कुछ हमलावर गोलियां दागनी शुरू कर देते हैं और ये गोली संजीव जीवा को लगती है, उसकी मौत हो जाती है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक छोटी सी बच्ची भी इसका शिकार हो जाती है, उसको भी गोली लगती है, हालांकि अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, घटनास्थल की तस्वीरें, उसके बाद की तस्वीरें, एक सिपाही एक बच्ची भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। संजीव जीवा जो कि एक बड़े गैंगस्टर के रूप में कुख्यात था, जिसे जाना जाता था, जो कि सलाखों के पीछे था और कोर्ट रूम में उसे ले जाया गया क्योंकि उसकी पेशी होनी थी, लेकिन वहीं पर वकीलों के भेष में कुछ हमलावर आते हैं और सीधे गोलियां दागनी शुरू कर देते हैं। सुनिए, देखिए अभी आराम से, छोड़ दो ना, अभी हम लोग नीचे करो, आईडी नीचे करो, अभी अभी भाई आईडी नीचे कर लो, हम लोग सारे घटनाक्रम को स्पष्ट रूप में जाएं, क्योंकि यहाँ पर बाहर लॉयर्स बैठे हुए हैं और थोड़े आक्रोशित हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इतना बताना चाहता हूँ कि अंदर एक जो आरोपी को पेश किया गया, हाथ डालो नहीं आया, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई, उनको अस्पताल तुरंत पहुँचाया गया। और मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपडेट दे रहे हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। विवेक बताएं क्या हो रहा है अभी वहां पर, लाइव जानकारी दे, मौजूदा स्थल पर क्या तस्वीरें। देखिए इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहुंच गई है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है, पहुंच गई है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है, वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये अफरा तफरी जो आप कैमरे पर देख रही हैं उसी का नतीजा है। जो फोरेंसिक टीम है वो जो कोर्ट रूम है, जो घटना स्थल है जहाँ पर हत्या हुई, उसके इर्द गिर्द घूम रही है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। कहा यह जाता है कि जब भी घटना होती है तो पुलिस का काम है कि केवल घटना स्थल पर जो रक्त पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, और घटनास्थल पे जो घटनास्थल है उसको बैरिकेड कर दिया जाए, उसको घेरा लगा दिया जाए, और घेरा लगाने के बाद जो फोरेंसिक की टीम होती है उसे बुलाया जाता है। फोरेंसिक की टीम हर जिले में मौजूद रहती है और ऐसे में फोरेंसिक की टीम और जो पहुंची है अंदर, जो जा रही है फोरेंसिक की टीम दूसरे गेट से जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फोरेंसिक टीम है उसकी तस्वीरों को दर्शकों को दिखाएं, इसी की कोशिश चल रही है। और जो फोरेंसिक की टीम है दूसरे गेट से घुसाई जा रही है और यहाँ पर एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, और जो ये तस्वीरें हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जो घटनास्थल है यहाँ पर कहा जाता है कि बैरिकेड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फोरेंसिक की टीम ही उस घटना के एविडेंस को इकट्ठा करती है। एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो जांचकर्ता होता है संबंधित थाने का, उस आईओ को वो मुहैया कराया जाता है, एविडेंस मुहैया कराया जाता है, और एविडेंस लगभग डेढ़ घंटे में भी इकट्ठा किया जा सकता है, दो घंटे में भी, तीन घंटे में भी, घटना की जो स्थिति है, जो क्रिटिकल स्थितियाँ होती हैं उस लिहाज से समय उसमें लगता है। लेकिन ये एक टेक्निकल चीज़ है कि जो फोरेंसिक की टीम होती है वो दो शिफ्ट में काम करती है, डे और नाइट, हर ज़िले में फोरेंसिक की टीम होती है, घटना स्थल पर वो पहुंचती है, जैसे ही घटना की सूचना मिलती है जो संबंधित थाना होता है जहां पर ये घटना होती है वो सूचना फोरेंसिक की टीम को देती है, जो संबंधित सीओ होते हैं वो और जिला मुख्यालय के कप्तान होते हैं वो उस सूचना देते हैं। फोरेंसिक की टीम जब एविडेंस इकट्ठा कर लेती है उसे सौंपती है, सील बंद लिफाफे में उसे सौंपा जाता है, और उसके बाद से जांच आगे बढ़ती है। और ये घटनास्थल है और घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट अंदर आ चुके हैं, वो एक एक एविडेंस की जांच पड़ताल कर रहे हैं, पुलिस के जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं उनसे उनकी वार्ता चल रही है, उनसे बात चल रही है और उनकी लगातार बातचीत चल रही है, और वो जो गेट है गेट से वो आएंगे। अभी जो संबंधित जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं और सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं यहाँ, एसीपी, अब देखिए गेट खुल गया एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, वो इस कमरे में जो कोर्ट रूम है, कहा जा रहा है कि ये इस कोर्ट रूम में ही हत्या हुई है, ये SC ST एक्ट के का कोर्ट रूम है, न्यायालय विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार तृतीय कि ये कोर्ट है। और सुनवाई जज साहब इस वक्त 5 मिनट के अंदर आने वाले थे घटना के बाद, और घटना हो गई, लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा एविडेंस है इसको इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक की 4 सदस्यीय टीम, बेबी पी गंगा से विशेष बातचीत में उन्होंने अपनी बातों को बताया, उसने वो यहाँ
यहाँ फिंगरप्रिंट भी लेती है, वेपन्स अगर पड़ा हो तो वेपन्स की जांच पड़ताल भी की जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर जो गोलियाँ होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। फिंगरप्रिंट के अलावा बहुत सारी जो ये टीम अंदर आ गई है, मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूँ कि आखिर टीम जो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कोर्ट रूम के अंदर आ चुकी है, यहाँ जो घटना स्थल है उसके अंदर आ चुकी है फॉरेंसिक की टीम। लखनऊ फॉरेंसिक की 4 सदस्यीय टीम आनन फानन में पहुँची है और उसके बाद से संबंधित थानाध्यक्ष से बातचीत करने के बाद ये टीम अंदर कोर्ट रूम के अंदर आ चुकी है और एक एक करके घटना का मुआयना कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। दरवाज़ा खुल चुका है, संबंधित थानाध्यक्ष अंदर जो सदस्यीय टीम है उसके साथ ए के सिंह जो फोरेंसिक टीम के मुख्य जांच करता है वो आपको कैमरे पर दिखाई पड़ रहे हैं। एबीपी गंगा ने उनसे विशेष बातचीत की और ए के सिंह इनका नाम है, इनके नेतृत्व में फोरेंसिक की टीम लगातार जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। पूरी प्रक्रिया क्या होती है इस फोरेंसिक टीम करती क्या है, इस पूरी प्रक्रिया को बताने का काम ए के सिंह ने एबीपी गंगा को बताया कि वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे यहाँ पर एक एक फिंगरप्रिंट, एक एक कार्ट्रेज, एक एक गोलियाँ, एक एक यहाँ पर जो वेपन्स हैं, ब्लड हैं, उनका जो जांच पड़ताल की शुरू हो गई है। फॉरेंसिक की टीम एक एक यहाँ पर इकट्ठा कर रही है, जांच कर रही है और एक एक बिंदुवार तैनाती यहाँ पर जो ए के सिंह है वो कर रहे हैं। विवेक त्रिपाठी, ये प्रक्रिया जो ए के सिंह बताए थे उसी के इस अनुसार काम हो रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले उन्होंने कोर्ट रूम में अंदर जाके देखिए अपने पैरों पर भी कवर करने के लिए सब जो प्लास्टिक सीट्स हैं वो पहन रखी हैं ताकि कहीं भी इनके अपने निशान ना आने पाए। यहाँ पर जो निशान हैं ब्लड के आसपास जो निशान हैं उसके अलावा इनके अपने निशान ना आने पाए। वहाँ पर देखिए कोई बुलेट मिला है, एक बुलेट उनको मिला है ऐसा लग रहा है, जो बुलेट वो उठाइए फोटो खींच रहे हैं वो बुलेट उठाकर या कोई निशान है वहाँ पर उसको उन्होंने चिन्हित किया है, ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब चीज़ें रख रहे हैं, ए लगा दिया है वहाँ पर, कुछ एक छोटी सी कुछ बुलेट टाइप का पड़ा हुआ है जहाँ पर उन्होंने ए लिखा है, ए लगा दिया है। और उसके अलावा जो मेन आदमी है ए के सिंह जिनसे हमने बात की थी वो लगातार तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये जो दिख रहा है ये पूरा मुलजिमों के खड़े होने के लिए जो बाड़ा होता है, बाड़ा वो गिर गया था, यानी भीतर जो भी थे अफरा तफरी मची थी, भगदड़ मची थी, उसके बाद ये बाड़ा लकड़ी का जो होता है, जो दीवार होती है लकड़ी की वो पूरी गिरी हुई है, उसके आगे कुर्सियाँ रखी हैं, कुर्सियों के आगे तमाम यहाँ पर बिखरे हुए हैं, तमाम चीज़ें बिखरे हुए हैं जिनको साक्ष्य के रूप में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं। एक एक कोना कोना, एक एक इंच पूरे कोर्ट रूम का खंगाला जा रहा है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपराधियों की तरफ से कोई गोली का निशान होगा, कोई गोली होगी, कहीं दीवार में गोली लगी होगी, कहीं ज़मीन पर गोली लगी होगी, या फिर कोई बुलेट होगी, कारतूस होगी, वो मिल सकती है, बुलेट मिल सकती है। उसके लिए सारी टीमें, 4 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और एक एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए जो मेन ए के सिंह हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो टीम के लीडर हैं, और यहाँ उन्होंने ब्लड स्टेन्स मिले हैं, कुछ खून के निशान मिले हुए हैं, ठीक लोहे की अलमारी के बगल में कुछ खून के निशान मिले हुए हैं जिसका फोटोग्राफी की टीम ने, जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने फोटो खींचे हैं। सारे एविडेंसेस एक एक चीज़ की ले रहे हैं और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड यहाँ पर टेप भी लग गया है। मैं कैमरा सहयोगी राजू से कहूँगा इधर आएँ, कैमरा सहयोगी राजू इधर आएँ, दिखाएँ, ये पुलिस ने पूरा इलाका डू नॉट डिस्टर्ब का टेप लगा दिया है। कोई भी यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस का टेप लग गया, यानी यहाँ से आगे वैसे भी ये दरवाजे बंद हैं, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम इस खिड़की के भीतर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जिनसे अभी बात की थी वो कैसे काम करते हैं। ये देखिए, इधर दिखाइए राजू भाई, ये जरा दिखाइए, ए के सिंह यहाँ पर उस जो लकड़ी का बाड़ा पूरा गिरा हुआ है, यानी जब गोली चली है तो भीतर कई मुलजिम मौजूद रहे होंगे। इस लकड़ी के बाड़े के जो दीवार है, ये लकड़ी की जाली है, उसके पीछे वो खड़े हुए होंगे और उसके पीछे खड़े थे, गोली चलने के बाद भगदड़ मची होगी, तो ये लकड़ी की पूरी जाली जो कोर्ट में मुलजिमों के लिए खड़े लगाई जाती है वो पूरी। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।